ट्रॉफी so ऐसा uh, uh, लग रहा था बार्सिलोना 2-1 हार जाएगी बट बार्सिलोना 1-8-4-2 मैच के ऊपर तो बात करते हैं बट आई थिंक बहुत अच्छी प्रिपरेशन हुई है बारसा की बहुत कॉम्पिटिटिव मैचेस मिले आर्सल क्लासिको आ, फिर इसी मिलान और अब स्पोर्ट्स तो बहुत अच्छी प्रेपरेशन है और आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट गोइंग द सीजन अब जो है वो मैच के ऊपर बात करते सबसे पहले जो है वो स्टार्टिंग इलेवन ओवरऑल बार सब अच्छा खेली मैं प्लेयर प्ले प्लेयर के ऊपर जो है वो बात देखो सिस्टम हम सबको पता है हम ऑलरेडी पता है वही तीन सेंटर पैक होते हैं ठीक है एक विंग बैक होता है जो कि बाल्टे होते हैं चार मिडफील्ड का सिस्टम है और राइट साइड के ऊपर प्लेयर खेलते हैं और अपरन है खेलते हो गए और बहुत तो यही सिस्टम था चावी का राइट यही मतलब डिफॉल्ट सिस्टम यही था लॉन्सो गए थे फिर फाटी गए थे गुंडुगोन आगे थे राइट साइड के ऊपर आ आगे थे फिर जब लमीनिया माल आए तो राइट साइड के ऊपर लमीनिया माल चले गए और आपदे जो है वो लेफ्ट विकेट के ऊपर आके और पार्टी और मतलब समझ ले कि नंबर टेन के रोल के अंदर चले गए तो आप समझ रहे हैं ना कि वो मिडफील्ड डोमिनेंट सिस्टम ही है आ, चावी का तो ये मैंने आपको बता दिया जो आ, टेक्टिकल आ, परस्पेक्टिव से अब प्लेयर बाय प्लेयर की बात करते हैं टेस्ट आई थिंक एक ही सेव उनको एक दो सेव करने पड़े और अपार्ट फ्रॉम दैट वो जो गोल रुकने वाले थे नहीं जो कि गोल हुए हैं आ, Uh, फिर बाल्डे की बात करूं तो आई थिंक ही वॉज वो कुछ ऐसे रन बना रहे थे जो कि डरा रहे थे ऑपोजिशन को डिफेंसिवली उतना अच्छा गेम नहीं था नॉर्मली जितना आप दे का सॉरी uh, बाल्डे का होता है बट uh, ऑब्वियसली यार मतलब दस में से दस गेम या पांच में से काम पांच गेम पे वो बिल्कुल पिन पॉइंट परफॉर्मेंस तो नहीं निकल सकती तो बाल्डे वॉज uh, गार्सिया right? यार आई एम नॉट रियली श्योर एरी गार्सिया ने बहुत अच्छे दो गेम खेले शुरू के 20 25 मिनट में वो काफी प्रॉमिसिंग लग रहे थे बट डिफेंसिव व्हेन ही इज ऑन द बॉल ही लुक्स गुड बट डिफेंसिवली ही इज नॉट दैट ग्रेट मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ही कुड हैव डन बेटर पहले गोल uh, uh, के अंदर बट मैं उनसे वो एक्सपेक्टेशन रखता ही नहीं हूं uh, कि वो उस तरह एरियली जो है वो डोमिनेट कर सकते हैं उस एरिया के अंदर राइट right? तो एरी गारसिया हैड अ ओके गेम राइट मैं ये भी नहीं कहूंगा बहुत बुरी गेम थी बट ओके गेम राइट लेट्स मूव टूवर्ड्स यार कुंडे ने बहुत बुरी बॉल गे वे वे की शुरू के पांच मिनट के अंदर ने उनको बचा लिया आ, यार मेरा जो है ना मेन जो डिस्कशन पॉइंट है वो यहां पे है ठीक है ये जो पूरी वीडियो के अंदर है मेन डिस्कशन पॉइंट है वो राइट right साइड के ऊपर है मेरे हिसाब से कुंडे शुड बी ऑलवेज प्लेंग राइट बैक राइट सेंटर बैक जहां पे राहू खेल रहे थे और राहुल ऑलवेज बी प्लेइंग ए सेंट्रल राइट साइडना चाहिए गोल हुआ था बादशाह का उसके अंदर दैट वॉज अ ब्रिलियंट वॉल्व फ्रॉम कुंडे और हमने थ्रू आउट दिखले सीजन हमने थ्रू आउट देखा कि कुंडे की थ्रू बॉल्स और एरियल बॉल्सुलटली पिन पॉइंट उस जगह से राइट सेंटर बैक या जो मिड फील्ड के अंदर टक इन करती है वहां से कुंडे इज अ मच बेटर प्लेयर इन कंपेरिजन टू अराहो बॉल चलाने के, के हिसाब से और अराहो इज मच मोर नीडेड सेंट्रली जहां पे वो अपना गेम दिखाते हैं इज फिजिकल वहां से वो बॉल को चलाते हैं एरियल स्ट्रेंथ अपनी दिखाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कुंडे शुड बी प्लेइंग एज अ राइट सेंटर बैक एंड अराहू शुड बी प्लेइंग सेंट्रली एक पहली बात ये है अनलेस इट इज रिक्वय वो सारा मैंने केस राफेल लियो फॉर एग्जांपल अगर आप यू आर अगेंस्ट पहला मेरा पॉइंट है दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि यार नीड अ राइट बैक फॉर अबाउट नेमार फॉर गेट अबाउट बर्नाडो सिल्वा मैं यही बार बार कह रहा हूं यू नीड अ डिफेंसिव राइट बैक डिफेंसिव राइट बैक इसलिए बिकॉज यू नीड दैट ठीक है क्योंकि चावी का सिस्टम एक डिफेंसिव राइट बैक की रिक्वायरमेंट रख रहा है आई दैट के अंदर मैंने आपको कहा था ना राहो को थोड़ा सा निकल हुआ था ऐसा लग रहा था वो जाने लगे और बोटो वो रेडी टू तो रिप्लेस है। और आज वैसा ही हुआ सब ऑब्वियसली मतलब मैं भी ये कह रहे थे कि नथिंग सीरियस एक प्रिकॉशन था विच इज गुड बट इफ बिकॉज हमारे पास कौन है प्रेफर्ड फॉर एक्साम्पल अगर कुंडे सेंट्रली खेल रहे हैं तो अराहो है जो कि राइट सेंटर बैक खेलेंगे या राइट बैक खेलेंगे ठीक है अराहो गेट्स इंजर्ड हु कम्स इन राहुल गेट्स इंज सर पहला पीछे, on -on पीछे जा ही जा रहा है और पूरा मौका दिया आराम से जो है वो उसको क्रॉस करने का और बिल्कुल सर के ऊपर उसने बॉल दी तो पूरा मौका दिया तो कैन यू इमेजिन के हम अगर राहु फॉर एग्जाम्पल

बैकअप हो सके या फिर इंटरचेंजेबली यूज हो सके इन प्लेस ऑफ बाल्टे ठीक है, है तो ये आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और इसके बाद अगर आपको चाहिए इवन अगर आप राइट बैक लाने के बाद फॉर एग्जांपल आप कंसेलो पे भी नहीं जा, जाना चाहते गेट अ बैकअप ऑफ ओर और रोमे या फिर फ्रेंकी डियोंग दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट नेमर एंड जस्ट डोंट गेट इट भाई आप क्या बनेगा आपका इट वॉज पेरेज एंड सर्जी रोबोटो वॉज ये परफॉर्मेंस थी सर्जियो रोबोटो की

डिस्ट्रीब्यूशन uh, उसके अलावा जो पहला गोल था जो रफिनिया ने बना के दिया था उसके अंदर ब्रिलियंट बॉल फ्रॉम ब्रिलियंट एरियल हो जो मर्जी हो पोजीशनिंग हो बॉल पोजेशन uh, हो वर्क रेट होब्सुल्यूटली ब्रिलियंट और इसलिए मैं कहता हूं अक्सर लोग नेमार को फिट करने के लिए ओर रोमे को सबसे पहले निकाल रहे थे और मैं ये बात एक्सप्लेन करके कर कर थक गया रोमे का या रोमे टाइप प्लेयर का खेलना इस टीम में बहुत जरूरी है अरोंग विथ फ्रेंकीडियो तो वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को और फ्रेंकीडियो को फ्रीडम मिलता है ठीक है और रोमियो इज अ मस्ट अब वो सो इम्प्रेस्ड एक तो होता है ना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि टाइप हूंगे, हूंगे, कितनी अच्छी थी और वो अंडर प्रेशर कितना अच्छा कर रहे थे। और प्रेस रेजिस्टेंट थे फ्रेंकी हैड अ गुड गेम उन्होंने एक बड़ा अच्छा चांस बना के दिया था लेमंडस्की को जो कि रफीनिया को मिला था रफीनिया को गोल स्कोर करना चाहिए था नहीं हुआ था तो फ्रेंकी डियोंग वॉज गुड रोमे फ्रेंकी ड्योंग वर्क एन ईश उनको खेलना चाहिए दोनों को पेड्री लुक्ड गुड नॉट ग्रेट बट ही लुकड गुड गावी के ऊपर मैं उतना ज्यादा क्रिटिसम नहीं करूंगा क्योंकि उनका पहला मैच था ठीक है ही वॉज प्रोवाइडिंग वर्क रेट वो कर रहे थे यू शुड डू मोर इन द फाइनल थर्ड लेकिन ऑब्वियसली भाई पहला गेम है आई एम नॉट गोइंग टू गेट क्रिटिकल बाकी सब प्लेयर्स के तीन तीन चार चार गेम हो चुके हुए हैं रफीनिया दिस इज एक्सैक्टली वफीनिया प्रोवाइड राइट साइड के ऊपर उन्होंने पिन पॉइंट पास प्रोवाइड किया यहाँ पे लेमंडोस्की को एंड दिस इज ये उनकी स्ट्रेंथ है राइट right. इसके अलावा उन्होंने रोमे को भी पिन पॉइंट पास दिया जो कि वो भी एक दो उन्होंने चांसेस आपको क्रिएट करके दिए जो कि क्लियर कट चांसेस थे फिर एक एक मतलब समझ लिया कि हाफ चांस था जो कि पेटरीन टर्न किया था और शूट लिया था वॉज एबल टू फाइंड फाइनरी बट ही शुड हैव वो जो एक गोल था जैसे मैंने एक्सप्लेन किया ही शुड हैव वो क्रिटिसिज्म है उनका बट दिस इज व्हाट रफीनिया प्रोवाइड्स व्हेन ही इज ऑन द बॉल

अब दे आए अब दे लुकड गुड राइट साइड के ऊपर पहले वो खेल रहे थे दो तीन चांसेस मिले वो हाफ चांसेस थे फिर उन्होंने दूर से शूट भी ली फिर ली गोल भी किया तो ही वॉज डूइंग समथिंग ही वॉज गेटिंग इन्वॉल्व फिर एक और बात है आप देख जो मैं आप लोगों को हमेशा समझाता हूं एक दफा हुआ था लेफ्ट साइड के ऊपर की लेफ्ट साइड के ऊपर वन ऑन वन सिचुएशन में जो लंबे बालों वाला प्लेयर था मुझे नाम नहीं उसका याद आ रहा ही वन दैट

ठीक है आ, उसके अलावा नमीन उस तो चौथा गोल तीसरा गोल भी उन्होंने ही बना के दिया था बट अगेन ब्रिलियंस फ्रॉम फेरन टूरस टू फाइंड फार्टी एंड फार्टी फिनिश दैट अब फार्टी के बारे में लमीन यामाल तो भाई जितनी तारीफ करूं कम में सोलह साल का लड़का है। इतनी ज्यादा मेच्योरिटी मतलब सोलह साल का लड़का और एक चौबीस पच्चीस साल का वो गधा जो कि जा चुका है समझ रहे हो ना स्नेक तो आप डिफरेंस देख रहे हो इंटेलिजेंस का फाइनल थर्ड के अंदर सोलह जिस हमेशा कहता हूं जिसने फाड़ फूड के निकलना तो वो, वो कहता है ये मेरी जगह मैं नहीं लेता गावी पेड्री ये मेरी जगह बाल्डे मेरी जगह लमीन जमाल कहेंगे ये मेरी जगह मैं नहीं देता किसी को वो निकल जाते हैं वो नहीं वेट करते चार चार साल तीन तीन साल पांच पांच साल छह साल अः उसके अलावा यार फाटी के बारे में फाटी मैंने आपको याद होगा कुछ एक लाइव सेशन में और वीडियो में कहा था अगर फाटी को अपना कैरियर रिवाइव करना है ना तो ही फिर अगर उसको स्ट्राइकर बनना पड़ेगा बिकॉज आई डोंट सी इट एनी मोर कि वो वाइडर एरियाज के अंदर खेल सके और वहां से इन्फ्लुएंस कर सके वो मुझे अब में अभी भी दिखता है वो मुझे रफीनिया में अभी भी दिखता है वो मुझे लमीम यमाल में भी दिखता है बट मुझे वो आंसू फाटी में अनफॉर्चुनेटली नहीं दिखता तो आई थिंक ही इज स्टिल उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी जब वो जब ये सब कुछ दिखता भी था इंजरीज से पहले वो उनकी फिनिशिंग थी और अभी भी वो पार्ट है उनके पास तो वो उसको अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनको उस पोजिशन के अंदर अपने आप को डेवलप करना चाहिए ही गॉट द चांस

और मैं ये वो लोग कहते हैं कि यार वो गेम प्ले में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता बट यू हैव टू बी बल जब आपको चांस मिले वो लोग वो तो भाई यही चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा था फरमीन लोपसा बी एस एस दिया यही चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा था जब लोग नेमार के पीछे पड़े हुए हैं और मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट की बात करनी है अगर आपने फ्यूचर की बात करनी है तो नेमार इज नॉट द रिक्वायरमेंट इवन बर्नाडो सिल्वाज नॉट द रिक्वायरमेंट राइट बैक सी डी एम एंड कैन उसके बाद देन यू कैन थिंक अबाउट अदर थिंग्स अगर कोई प्लेय जाते हैं मैं यही बात एक्सप्लेन करूं अगर यहां पर नेमर आते हैं तो आप किस किस का टाइम हेम्पर करेंगे जो कि रेडिंग है जो कि कुछ करने वाले हैं वो कौन है फाटिंग है आपदे हैं फैरन है, है फरमीन लोपस है गावी है इवन गुंडोगी उनका भी टाइम हैम्पर होने वाला है बिकॉज आई डोंट सी ओरियल रोमियो गेटिंग बेंचड आप उसको बेंच नहीं कर सकते वरना आपका सारा सिस्टम गिर जाएगा अगर अगर आपने ओरियल रूमियो को बंच कर दिया तो ये पॉइंट है लेफ्ट साइड के ऊपर नेमार को लाने का ठीक है और ये मैं पॉइंट एक्सप्लेन बहुत दफा कर चुका हूं कि वाई

नीड टू सॉर्ट दैट आउट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया एंड रेमर इज नॉट अ रिक्वायरमेंट आई एम रिपीटिंग इट अगेन और लेट सी डू लेट वी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन लाइक सब्सक्राइब शेयर कीप एंजॉइंग फुटबॉल अंटे नेक्स्ट टाइम इज अ गुड बाय फ्रॉम मी वेस्टा